पाजी क्या सीन, अपना टाइम आएगा? आएगा नहीं पगले, आ गया। हाँ तो भाई कैसे हो आप सब और कैसे गुजर रही है आप सबकी जिंदगी। तो आज हम बात करेंगे सीओडी यानी कि कॉल ऑफ ड्यूटी की, जो कि बहुत ही कोई टट्टी गेम है। मैंने ना इसके रिलीज होने के 6 महीने पहले प्ले स्टोर पे प्री रजिस्टर कर दी थी, क्योंकि मुझे ये लगा था कि इसका बैटल रॉयल पबजी से ज्यादा अच्छा होना है, लेकिन टेंशन वालों ने तो हग ही दी है। सर ये तो टट्टी है। अब अगर पबजी खेलते हैं तो हैकर तो अपनी बहन का रिश्ता पेश करके चले जाते हैं, और अगर सीओडी खेलते हैं तो अंकल मजबूर वाला मजा नहीं आता, और GTA 5 मेरे पीसी में चलती नहीं है। तो अब मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊँ, मैं भी तो मजबूर हूँ। अब आते हैं उन लोगों पे जिनकी घर में कोई नहीं सुनता, लेकिन फेसबुक पे ये आगे सीओडी और पबजी का कंपैरिजन कर रहे होते हैं। अब ना तो सीओडी मेरे अब्बे ने बनाई है और ना ही पबजी, तो मैंने तो दोनों की लेनी है। अब पहले तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि पबजी सीओडी से बेहतर है। अब इस पास से तो मैं भी तब तक एग्री था जब तक गेम में प्रीडेटर जैसे पैन याक नहीं थे। पबजी में अभी पैराशूट खोला ही होता है कि कोई चाइना के स्पाइडरमैन का बच्चा उड़ता हुआ आता है और मार के चला जाता है, अन्नी दी वो बच्चे ये कोई मजाक है। और जहाँ तक पबजी के ग्राफिक्स की बात है, तो 2GB रैम वाले लोग भी बोल रहे होते हैं कि पबजी के ग्राफिक्स लुल हैं। इनके क्यों मोबाइल में अगर ग्राफिक्स को HDR कर दो तो इनके मोबाइल का जनाजा वैसे ही निकल जाना है। औकात इनकी अपनी नहीं HDR पे खेलने की, लेकिन ब्लेम ये पबजी वालों को देते हैं। पबजी बेस्ट गेम है अगर इसमें स्पाइडरमैन के बच्चे ना हो तो, बल्कि सॉरी चाइना के स्पाइडरमैन के बच्चे ना हो तो। अब आते हैं वो लोग जो कहते हैं सीओडी इज बेटर देन पबजी, और इस बात पे लोगों के साथ बहस करना शुरू कर देते हैं। जैसे सीओडी वालों ने तो इनको प्रमोशन के लिए रखा हुआ हो कि लोगों को जाकर बोलो सीओडी पबजी की माँ है। पैन दी सीरी बंदा तो हिलता नहीं है सीओडी में सही तरह से, उससे ज्यादा अच्छी तरह तो मैं अपना नुनू हिला लेता हूँ। भाई दोनों गेम से जिसको जो अच्छी लगी वो वही खेले, लेकिन लोगों ने तो इस पे डिबेट प्रोग्राम करना शुरू कर दिए। मेरी तो फेसबुक की टाइमलाइन ही इन्हीं पोस्टों से भरी हुई है कि सीओडी इज बेटर देन पबजी, पबजी इज बेटर देन सीओडी। बस लोगों की तो सोच इतनी छोटी होगी रह गई है, इनकी सोच से बड़ा तो मेरा नुनू है भाई। और मैंने सुना मार्केट में नया फोन आया iPhone 11, चलिए शुरू करते हैं। अब ये तो आपको पता ही होगा कि iPhone से ज्यादा फीचर्स एंड्रॉइड में होते हैं, लेकिन फिर भी iPhone की कीमत औकात से बाहर होती है, वो सिर्फ इस आधे खाए हुए सेब की वजह से। एक सेब की इतनी वैल्यू होती है ये मुझे iPhone को देख के पता चलता है। अब अगर यही iPhone वाले आधा खाया हुआ सेब टट्टी पर भी लगा देना तो उसकी कीमत भी लाखों में हो जाएगी। अब इन्होंने निकाला iPhone 11 और फिर साथ बना दिया iPhone 11 Pro और साथ लगा दिया iPhone 11 Pro Max। अब अगर आपने iPhone के आगे Pro लगवाना तो आपको 1 लाख देना पड़ेगा, और अगर iPhone 11 Pro के आगे Max लगवाना तो 1 लाख मजीद देना पड़ेगा। इन iPhone वालों ने भी नवाज शरीफ का झूठा पिया हुआ है, और मैंने तो अपने Huawei का डिवाइस नेम चेंज करके iPhone 11 Pro Max लिख दिया है। फ्री का काम करवाना मुझे भी आता है। अब हमारी आवाम ना सिर्फ इसलिए iPhone लेती है क्योंकि उनको लगता है कि iPhone के इस लोगो से स्वैग में इजाफा होता है। अगर लोग आपके हाथों में iPhone देखेंगे तो वो आपको अमीर तरीन समझेंगे, चाहे शक्ल आपकी 2 रुपए वाली हो, लेकिन लोग तो यही समझेंगे ना कि इसने 1 लाख वाला iPhone लिया हुआ है। अब iPhone यूजर ना नॉर्मल सेल्फी नहीं लेते, ना अगर नॉर्मल सेल्फी लेंगे तो पता कैसे चलेगा कि iPhone है। ये लोग मिरर सेल्फी लेते हैं और हाथ अपना थोड़ा सा नीचे रखेंगे ताकि आईफोन का लोगो साफ नजर आए, और फिर उस लोगो को फोटोशॉप में जाके थोड़ा और ब्राइट करेंगे। और अगर इन लोगों को आईफोन के बारे में कुछ बोलो तो आगे से यही जवाब देते हैं तुम्हारी औकात नहीं आईफोन लेने की। अब ये तो हमें भी पता है कि हमारी औकात नहीं आईफोन लेने की, लेकिन ऐसे मुंह पे ताना कौन देता है भाई। अच्छा खैर, जो भी पिया हमने iPhone 11 में देखनी है वही हम अपने Huawei Pro Max XXX में देख लेते, तो हमें क्या जरूरत है iPhone की। और वैसे भी मैं कोई छोटे मोटे ब्रांड्स को मुंह नहीं लगाता क्योंकि मेरा मुंह उनको लगने के लायक ही नहीं है। तो कैसा लगा मेरा मजाक, पूरे 2 दिन लगा कर ये जोक सोचा है मैंने। तो बस यार आज के लिए इतना ही, और थैंक यू सो मच फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स, लव यू सो मच, इसी तरह सपोर्ट करते रहो। और अगर आप चाहते हो कि मैं गेमिंग वीडियोस भी बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, लेकिन मैं ये पहले बता दूं कि मेरे पीसी में GTA 5 नहीं चलती। तो मैं मिलता हूं तुमसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। 6 साल लगा के तेरे सामने, ऐसा नहीं यहाँ कोई जो के मुझे भाप ले, नया नया आया मैं तो सब परेशान थे, देखे पर के जितने भी वो सब बेईमान थे, सब मुझे जानते पर ना थे पहचानते, कोई कैसे काटे रास्ता मेरा पाँव में पैनू काटे, अपनों ने डसा तो गैरों से क्या शिकायत है, असूल कानून मैंने तोड़ी सब रिवायते, कायते हिदायते तुम रखो अपनी जेब में, तेरे जैसे चूजों से मैं थक चुका खेल के, अपने पीछे खुला नहीं छोड़ा कोई गड्ढा, जो भी खोदी कब्र अंदर गाड़ दिया बंदा।